ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वी करबा वह तेजस्वे नवधीतमस्तो म विषा वह शांति शांति सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृत यूट्यूब चल दृश्यम प्रतिना च हादम स्वागत मित्रों रचनादी ठीक है कक्षा संख्या पांच को आज पढ़ें ठीक है चार कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं पांचवी कक्षा को आज पढ़ें ठीक है चलिएगा दो अभ्यास हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों ध्यान रखेंगे दोनों अभ्यासों के गृह कार्य का भी मैंने मिलान करा दिया है आपको अब है हमारा आगे आज की कक्षा में तृतीय अभ्यास जी जी ठीक है चलिएगा आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा फिर पढ़ते हैं शब्दकोश पचास शब्द हमने अभी तक पीछे के दो अभ्यासों में इन्होंने पढ़ा दिया है पच्चीस और पढ़ाएंगे पिचहत्तर हो जाएंगे सेवेंटी फाइव अभ्यास तीन है तृतीय अभ्यास और व्याकरण भी इसमें पढ़ाया जाएगा शब्द कोश में बताते हैं का विभाग में आहम मीन्स मैं मैं अकेला आवाम हम दोनों वयम हम सब ये प्रथमा व्यक्ति के रूप है वास्तव में ये क्या है सर्वनाम है रमा अब आगे रमा मींस लक्ष्मी बाला लड़की कन्या लड़की लता लता कथा कथा कहानी दोनों कथा का कहानी भी हो सकता है कथा भी हो सकती है क्रीड़ा खेल पाठशाला पाठशाला विद्या विद्या ठीक है ये ग्यारह शब्द है ये पहले भी आ चुके हैं उसमें प्राय करके तो प्रारंभिक रचना में आई गए हैं कुछ एक आध दो नए हैं उनको याद कर लीजिए वैसे तो है रमा आप जानते ही क्रीडा भी जानते हैं पाठशाला भी जानते हैं विद्या भी जानते लता भी जानते कथा भी जानते हैं कन्या भी जानते बाला भी जानते सभी शब्द तो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं ऐसे के ऐसे ठीक है तो याद क्या करना है कुछ नहीं खा दृष्ट धातु मान दृष्ट धातु का देखना का अर्थ है रुकना सदमाने बैठना पा पीना घरा ग्रा, घीस सूंघना स्मृ स्मी माने स्मरण करना जी जिमी से जीता ये सात धातु इसमें जो कुछ धातु प्रारंभिक में आ गई हैं और कुछ नई बताई तो इन धातुओं के अर्थ याद कीजिएगा रूप में आपको याद कराऊंगा ठीक है कौन से किस धातु का क्या अर्थ है ये आपको याद करना पड़ेगा ठीक है आगे का अव्यय यहां से ठीक है तता वहां से ठीक है और यहा जहां से उता कहा से किम क्या कथम क्यों अथवा कैसे ठीक है ना नहीं ठीक है चलिएगा तो ये अव्यय इनको याद कर लीजिएगा इनमें भी काफी आ चुके हैं पहले भी आ चुके हैं इनका एक बार आवृत्ति कर लीजिए ये तो हो गया आपका शब्द ठीक है चलिएगा ये हो गया आगे बताते हैं सूचना सूचना में बताते हैं का जो रमा से विद्या तक के रूप चलेंगे रमा के समान वैसे तो रमा के रूप तो हमने आपको प्रारंभिक में याद करा ही दिए हैं फिर भी आप कराएंगे तो सभी के और खादृश धातु से लेकर के जी धातु तक के रूप चलेंगे भागवती व आपको उच्चारण करके बताएंगे व्याकरण में ये पढ़ाएंगे आपको लट लकार की बात बताएंगे उत्तम पुरुष को बताएंगे और वर्णमाला बताएंगे ठीक है वर्णमाला के विषय में ये सारी वही चीजें हैं प्रारंभिक वाली सारी वही आ रही है अभी तो तो आइएगा नंबर एक रमा का बताते हैं। रमा रमे रमा रमाम रमे रमा तो आपको हम क्या कहेंगे हम निवेदन करेंगे आपको कि आप जो संबोधन सहित सभी व्यक्तियों के रमा के रूपों को याद करेंगे याद मैंने याद है ही आपको उनकी आवृत्ति करेंगे मैं आपको एक बार उच्चारण करा देता हूँ ठीक है और इस पुस्तक में भी आपको बता देता हूँ कि कौन से स्थान पर आ, कौन से पृष्ठ पर ये रूप आए हैं ठीक है थीके? ये देखिएगा ठीक है ये इस पुस्तक में जो शब्द रूप है उसमें तेरह नंबर पर आए थर्टीन, थर्टीन माह है ठीक है तेरा माह तो यहाँ पर आप इसको पूरा कर लेंगे पूरा ही आद, आप पूरा ही इसको लेंगे इसमें इन्होंने दो व्यक्तियों को दिखाया है और ये संक्षिप्त प्रत्यय आपको हमने वहाँ पढ़ाई थे आ ए आह आम ए आह तो संक्षिप्त प्रत्यय आपको जोड़ करके इनमें रमा के समाज दूसरा चलाएंगे तो रमा के रूप में आपको पूरा पहले उच्चारण कर देता ठीक है सुनिएगा ध्यान से रमा रमे रमा रमाम रमे रमा रमया रमाभ्याम रमाभि रमाय रमाभ्याम रमा रमाभ्यः रमा रामायाह रमाभ्याम रमाभ्यह रामायाह रमयोह रमाणां रामायाम रमयोह रमासु हे रामे हे रामे हे रामा ठीक है यहां पे देखिए तो इसी प्रकार से आपको बाला आदि के रूप संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके बनाने हैं संक्षिप्त प्रत्यय इसमें आपको मैं आगे जब आगे बताएंगे तब कराऊंगा अभी तो आप इतने देख लीजिएगा तो संक्षिप्त प्रत्यय इसका संक्षिप्त प्रत्यय तो मैंने इसमें लिया नहीं है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं फिर मैं आपको सभी रूपों को बता देता हूं संक्षिप्त प्रत्यय है जैसे ये प्रथमा का है प्रथमा व्यक्ति और ये द्वितीय में लिख देता हूं पहले क्रम से तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन ठीक है इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है अब यहां पर देखिएगा, ये एक वचन आ ए और ये आम और ए और ये आहा और इसमें है आपका आया भ्याम और आभि ठीक है और आई है आई आयी होगा आई आई और ये आभ्याम और ये आभ्या ठीक है और ये है आपका आयाह और ये आभ्याम और ये आभ्या और षष्ठी में आया और ये आ, आयो हो ठीक है और आनाम और सप्तमी में है आपका आयाम ठीक है आयाम और ये आयो हो और ये आसु ठीक है संबोधन में है आपका ए ए और ये आ ठीक है चलिएगा इतना देख रहा होगा आप ये अब वही नियम होगा हम शब्द लेंगे जैसे हमने रमा लिया ध्यान रखेंगे जिस शब्द में रा शा आदि होगा उसके बाद में जब रूप चलाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा ना को अना हो जाएगा बस और जिसमें नहीं होगा तो नहीं होगा तो मैं आपको तो शब्द रूप चला के बताता हूं चलिए ध्यान से सुनिएगा ठीक है ये है रमा हो गया बाला अरे बाला बाला शब्द है अब आपको क्या करना है बाला का ये आ हटा देना है क्या बचा लेना है बाला और संक्षिप्त प्रत्यय को जोड़ते जाना है वो बन जाए अपने आप देखिए बाला बाले बालाह बाले बाला बाल या बालाभ्याम बालाभि ठीक है थीके? और बालाय ये ऐसा ये है दो है ये आई है, ना? ये आई है तो बालाय बालाभ्याम बालाभ्य बाला और बालाया बाला बाला बालाभ्या बालाभ्य बालानाम बालाभ्याम बालयोः, बालासु और हे बाले, हे बाले, हे हे बाला इसी प्रकार से इसमें और भी शब्द दिए हैं आपके लिए कन्याएं तो ऐसी कन्या के चलाने कन्या 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 कन्याम, कन्या 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 कन्याभ्याम कन्या भी कन्याय कन्याभ्याम कन्याभ्या कन्या कन्याभ्या कन्याभ कन्या कन्या कन्याना कन्या कन्या कन्यासु हे कन्ये हे हे कन्या ठीक है इसी प्रकार से आपको लता का चलाना है लता लते लता, 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 लते लता, 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 लते, लता. लताया लताभ्याम लताभि लताये लताभ्याम लताभ्य लताया लताभ्याम लताभ्य लताया हा लतालतायो लताद्ध्या, हो लतानाम लताभ्या लतायाम लतायो लतासु हे लते हे लते हे लता कटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है बहुत सरल उपाय बता दिया और देखिएगा क्रीडा तो क्रीड़ा र तो है परंतु यहाँ पर क्या है बीच में ड आ रहा है ड के कारण से यहाँ पर न कोहना नहीं होगा न ही रहेगा ध्यान रखेंगे तो क्रीड़ा क्रीडे क्रीडा क्रीडा क्रीडे क्रीडा क्रीडा क्रीडया क्रीडाभ्या क्रीडा भी क्रीडा यीड़ाभ्या क्रीडाभ्य क्रीडाया क्रीडाभ्या क्रीडाभ्य क्रीडाया क्रीडयो क्रीडा क्रीड़ायाम क्रीड्यो क्रीडासु हे क्रीडे हे क्रीडे हे क्रीडा फिर पाठशाला 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 पाठशालाभ्याम पाठशाला पाठशालाय पाठशालाभ्याम पाठशालाभ्य पाठशाला पाठशालाभ्या पाठशाला 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 नाम पाठशालायाठशाला पाठशाला पाठशाला और हे पाठशाला हे पाठशाला हे पाठशाला ठीक है विद्या एक और शेष बचा हुआ इसको भी करा देते हैं विद्या विद्ये विद्याहा विद्याम विद्ये विद्याहा विद्या विद्याभ्याम विद्याभी विद्याये विद्याभ्याम विद्याभ्या विद्याया हा विद्याभ्याम विद्याभ्या विद्याया हा विद्या विद्यो हो विद्यानाम विद्यो विद्यासु हे विद्ये हे विद्ये हे विद्ये ठीक है बनवी बात कोई परेशानी तो नहीं तो ये हो गया हमारा तो ये मैंने सभी के रूप आपको स्मरण करा दिए ये संक्षिप्त प्रत्यय थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा और आराम से आपके सभी इसी प्रकार से और भी दीर्घ आकारांत तो स्त्री शब्द उनके सभी के रूप ऐसे ही चले ठीक है अब अब आगे है इसमें हमारा ही। अब आगे ये बता रहे हैं नंबर दो भू लटलकार उत्तम पुरुष ये बता ही दिया था भवामी भवावा भवामा पहले ही दिन याद करा दिया था संक्षिप्त प्रत्यय भी आपको बता दिए थे ठीक है एक वचन में आमी लगेगा दो वचन में आवा बहुवचन में आमा लगेगा अब आगे जो है उसको देखते हैं क्या बता रहे हैं सूचना विशेष लट लोट लंग और बिदलिंग में इन धातुओं के ये रूप होकर के रूप चलते हैं जो कुछ ऊपर धातुएं बताई थी उनमें से जब हम लट लकार में लोट लकार में लंग लकार में लकार में रूप चलाएंगे तो क्या होगा कहते हैं कि उनको ऐसा कर देंगे रूप कैसे चलाएंगे दृश्य नहीं चलाएंगे दृश्य के स्थान में पश्य कर लेंगे पश्य बनाकर के रूप चलाएंगे पश्य में संक्षिप्त प्रत्यय लगाएंगे जो आपको बता अति अथा अंति अथा आमी आवह आवह आमह बोल गए पश्यामी ठीक है ये तो प्रथम पुरुष का एक वचन उत्तम पुरुष का ऐसे ही स्था को क्या कर लेंगे तिष्ठ कर लेंगे स्था में संक्षिप्त प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तिष्ठ करके जोड़ेंगे तिष्ठती सद को क्या कर लेंगे सीध तो सीधती पा को क्या करेंगे पिब पिबती को क्या करेंगे आदि गम को गच्छ करेंगे ये पहले बता दिया था आपको ठीक है आगम को आगच्छ कर लेंगे ठीक है और स्मृक को स्मृति आदि ऐसा करेंगे स्मृति को हम वास्तव में क्या कर लेंगे ऐसा करेंगे स्मर ऐसा कर लेंगे फिर संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे और जी को क्या कर लेंगे जी को हम कर लेंगे जय ऐसा जी को जय करके इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ेंगे तब रूप चलेंगे इनके आ जाइएगा मैं रूप चला के आपको उच्चारण करके बता देता हूं प्रथम पुरुष उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों को चलाऊंगा ठीक आ जाएगा ऊपर जो धातु है उनके हिसाब से चला लेते हैं अब आपको मैंने बता दिया ठीक है दृश्य दृश्य को क्या करेंगे पश्य पश्यति तो पश्यत पश्यसी पश्यथ पश्यामि पश्याव पश्याम स्था को क्या करेंगे तिष्ठ तिश्था। तिष्ठति तिष्ठ तिष्ठती तिष्ठसि तिष्ठात्था, तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः सद सद को क्या करेंगे सीद तो सीदति सीदतः सीदन्ति सीदसि सीदथः सीदथ सीदामि सी, सीदावः सीदामः सीदा 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 पाकु क्या करेंगे पिब पिबति पेवता पेवंति पेवासि पेवता पेवता पेवामि पेवावा पेवामहो ग्रा ग्रा को क्या कहने जिग्रो जिग्र बताया था आपको जिग्र हाँ जा ग्राह को जिग्र तो जिग्र जिग्र का कहने जिग्रति जिग्रता हा जिग्रासि, जिग्राथा, जिग्रथ जिग्रामी जिग्रावह जिग्राम स्मृ स्म को मैंने क्या बता दिया था हमने क्या कर लेना है इसको स्मर इसमें लिखा नहीं है, पर क्या कर लेना है स्मर इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ने स्मारति, स्मरता स्मरती स्मरसी स्मरथ स्माराथा, स्मरा स्मराव स्मरा जी जी को क्या कर लेना था मैंने बताया था आपको जय ऐसा इसमें संक्षिप्त है जयति जयत जयंती जयसी जयथ जया था जयामी जयावह ठीक है त्रुटि तो नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी हो जाए तो पुरुष को सही कर लेंगे हमसे भी तो हो जाती है हमसे भी त्रुटि हो जाती है हम उसको करेक्शन कर देते हैं ठीक है चलिएगा तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर ये गम का भी बनाना है पिछले अभ्यास में आया गच्छ तो ये मैंने पहले ही बता दिया था गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छथ गच्छामि गच्छावा गच्छा 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 गच्छामः ऐसे आगम का आगच्छति आगच्छत आगछसी आग छथ आग आगामी आग आगे ठीक है आपको जय का बता, बता दिया तो ये हो गया हमारा चलिए अब आगे है आगे बता है रही हैं आपको स्मरण करने हैं रूप पहले याद नहीं है पर बाकी अभ्यास करना है नंबर तीन वर्णमाला कोष्ठ में पार्वारषिक नाम है इन्हें शुद्ध स्मरण कर लें ये वर्णमाला के बारे में बालक कोष्ठक में दिए हैं इन इनके नाम है पार्वारषिक में व्याकरण में इन शब्दों को इन्हीं नामों से बुलाया जाता है ठीक है ये देखिएगा तलिककम है ये जो वर्ण है आपके आ ई उ ऋ लृ ये ह्रस्व हो गए और आ उ, री ये दीर्घ हो गए और ए आ, ओ आ, ये मिश्रित हो गए ठीक है ये जो है ये सारे हैं। इनको ये और ये इनको क्या इनका पूरे का सबका नाम क्या है स्वर इनको वोवेल्स कहते हैं स्वर कहते हैं संस्कृत भाषा में और इसमें भी ये ह्रस्व है ये दीर्घ है और ये कैसे है मिश्रित इनको मिश्रित वर्ण बोलते हैं और ये दीर्घ भी हैं ध्यान रखेंगे ये कैसे हैं दीर्घ इसमें लिखा नहीं है ये दीर्घ भी हैं ये मिश्रित भी हैं मिश्र माने मिलकर के बने हुए हैं और ये दीर्घ भी हैं जैसे ये दीर्घ हैं वैसे ये भी दीर्घ हैं तो ये कोई आपका है दीर्घ तो ये भी दीर्घ हैं और व्यंजन में बताते हैं खा विभाग में ये व्यंजन में ये का खा गा घा न इसको कवर्ग बोलते हैं चा छा जा झा ज इसको चवर्ग बोलते हैं टा ठा डा ढा न इसको टवर्ग बोलते हैं ता था दा धा न इसको तवर्ग ये राय गाय गा। तवर्ग बोलते हैं पा फा बा भा मा इसको पवर्ग बोलते हैं यारा ला वा इसको अंतस्थ बोलते हैं और शा शा सा हा इनको क्या बोलते हैं और ये ये जो है ऊपर बिंदी लगी है इसको बोलते हैं अनुस्वार और ये चंद्र बिंदी लगी है इसको बोलते हैं अनुनासिक और जो ये पीछे दो बिंदी लगाई जाती है इसको बोलते हैं विसर्ग अब अनुस्वार कहें तो आपको ऐसा समझना है ऊष्म कहना है तो इनको समझना है, है? अनुनासिक कहना है तो ऐसा लगा समझना है कहना है तो ऐसा ये सब सामान्य करके जो प्रारंभिक में बता दिए पढ़ करके सेकंड लेवल का ये सारी बातें आपको पता है फिर भी इसकी आवृत्ति करा देते हैं चलिएगा और भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया लीजिएगा सूचना वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है वर्ग के कोई हम कहें वर्ग के प्रथम अक्षर तो कौन कौन से आएंगे का चा टाता पा ठीक है वर्ग के द्वितीय अक्षर बोलेंगे तो कौन से है? खा छा ठा था, था फा इनको ध्यान कर लीजिए तृतीय बोलेंगे तो गा जा डा दा भा चतुर्थ बोलेंगे तो घा झा ढा धा भा पंचम बोलेंगे तो गा ना, ना 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 मा संधि नियमों में आगे पढ़ाएंगे संधि संधि नियमों में प्रथम द्वितीय आदि के स्थान पर क्रमशः एक दो तीन चार पांच गिनती दी जाएगी संधि नियमों में कहा कि वर्ग के और आगे एक लिख दिया तो इसका मतलब है वर्ग के प्रथम अक्षर दो लिख दिया तो वर्ग के द्वितीय अक्षर तीन लिख दिया तो वर्ग के तृतीय अक्षर और चार लिख दिया तो वर्ग के चौथे अक्षर पांच लिख दिया तो वर्ग के पांचवे अक्षर ऐसा हमें समझना है ठीक है चलिएगा ये वर्णमाला गई आपकी अब इसमें एक अंत में नियम दिया है उसको भी देख लेते हैं सामान्य नियम है नियम आठ स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय होती है खेद पूर्वक स्मरण में षष्ठी होती है देखो अभ्यास चौदह चौदह में अभ्यास में ये षष्ठी का बताएंगे ये तो द्वितीय का अभ्यास चल रहा है अभी तो कहते हैं स्मृत धातु का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका जो कर्म बनेगा तो कह रहे हैं सामान्य रूप से यदि किसी का स्मरण करते हैं तो तो जिसका स्मरण करते हैं तो उसको कहने वाले शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है परंतु खेद पूर्वक माने हम किसी को याद कर रहे हैं और हमें दुख हो रहा है तब क्या होगा जिसका स्मरण कर रहे हैं तब उसमें ष्ठी व्यक्ति होगी द्वितीय नहीं जैसे पाठम स्मरती मैंने यहां पर हम अपने आप जोड़ लेंगे छात्र पाठम स्मृति तो ये पाठ का रूप से कोई दुखी नहीं हो रहा खेद नहीं हो रहा उसको तो छात्रा पाठम स्मरति द्वितीय हो गई इसमें ऐसे ही भक्त यहां हम जोड़ देंगे भक्ता ईश्वरम स्मरति भक्त ईश्वर का स्मरण कर रहा है याद कर रहा है तो कोई दुख तो नहीं हो रहा परंतु यदि ऐसा करेंगे हम बाल मातु स्मरती बाला मातु तो स्मृति यहाँ क्या कोई छोटी छोटा बालक है शिशु है वह माता को याद कर रहा है उसको दुख हो रहा है माता उसको दिख नहीं रही तो उसको दुखी हो रहा है और दुख, दुखी होकर के माता की याद कर रहा है तो यहाँ पर क्या ये षष्ठी हो गई है षष्ठी का रूप है मातु क्या है षष्ठी का तो यहाँ दुख पूर्व का हो षष्ठी होगी कर्म में ये है तो कर्म षष्ठी हो गई ये आगे आपको पढ़ाएंगे में अभ्यास में बाकी प्रारंभिक रचना पढ़ा आपका पढ़ाने वाला पार्ट इसमें आपको आपको गृह कार्य हम दे रहे हैं आपको। इन सभी शब्दों के रूप याद करने धातुओं की याद करने और ये फोर्स याद कर लेना है और वर्णमाला का जो संक्षिप्त निर्देश है इनको याद कर लीजिएगा ये नियम आपको सामान्य याद हो ही गया होगा कोई परेशानी नहीं है अब अब आ जाइएगा आगे देख लेते हैं इसमें अभ्यास तीन अजो आगे का जो गृह कार्य वाला पाठ है नंबर एक उदाहरण वाक्य मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी हम दोनों पढ़ते आवाम तीसरा हम लोग पढ़ते वयम पठाम अब चौथा वयम विद्याम पठाम हम सब विद्या को पढ़ते अहम कन्याम पश्यामी मैं कन्या को देखता हूं आवाम क्रीड़ाम पश्या हम दोनों क्रीडा को खेल को देखते हैं अहम पुष्प जिग्रामी मैं फूल को सूंघता हूँ अपने आप बनाइएगा बना सकते हैं, आठ जलम पिबामा हम सब जल पीते हैं, तिष्ठामा हम सभी यहाँ बैठते हैं बैठते हैं खड़े होते हैं तिषामा का तो खड़े होते हैं अर्थ होता बैठते हैं तो हैं कथा मैं कथा का स्मरण करता हूं इस प्रकार से आपको अब वाक्य बनाने संस्कृत के वाक्य दे रहे हैं संस्कृत बनाओ का विभाग में ये बता रहे हैं आपको तो ये इसमें विभाग में तेरह वाक्य ये बनाने हैं आपको ठीक है ख विभाग में चौदह से सत्रह ये बनाने में अठारह से बाईस बाईस वाक्य कुल में बाईस वाक्य बनाने हैं ठीक। फिर मिलान कराएंगे अगली कक्षा में यहां पर नीचे दिया है इन्होंने अशुद्ध अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य अभ्यास के लिए तो नंबर एक अहम स्थानी तो ये गलत है क्या होगा अहमतिष्ठामी होगा या नियम क्या है धातु वाला नियम है धातुपे गलत है ये में मनता है स्था को तिष्ठ करके रूप चलाते हैं नंबर दो वयम दृश्याम ये भी गलत है क्या होगा वयम पश्याम तीन नम व ये भी गलत है वयम जिघ्रा होगा अहम जलम पामी ये भी गलत है अहम जलम पिबा होगा वयम सदामा ये भी गलत है क्या होगा वीदा तो सब जगह इनमें धातु रूप ही गलत है आगे इन्होंने दिया है शुद्ध करो तथा तो नियम बताओ तो इनको आपको शुद्ध करना है फिर मैं आपको आगे की कक्षा में मिलान कराऊंगा और थोड़ा सा गृह कार्य और दे रहे हैं ये नंबर दो काके के वाक्यों को बहुवचन में बनाओ जो ऊपर काके के वाक्य दिए हैं उनको बहुवचन में बदलना है खा खा के वाक्यों को एक वचन में बनाओ उनको तो एक वचन में बनाना है अधिक वाक्य नहीं है और दृश्य राके लटके तीनों पुरुषों के रूप लिखो ये आपको लिखने मैंने उच्चारण करा दिया मिलान नहीं कराएंगे मैंने उच्चारण करा उसको मिलान कर लीजिएगा आपको जरूर लिखना है और घमे बाला लता विद्या कथा क्रीडा इनके प्रथमा और द्वितीय के रूप लिखने हैं तो इनके सारी विभक्तियों के लिखिएगा सभी के बता दिए मैंने सभी के लिखने नहीं है लिखने में बहुत समय लगेगा आप उच्चारण कीजिएगा बस ठीक है उच्चारण से ही आपका हम मान लेंगे पूरा हो गया वाक्य बनाओ ये पश्यामी तिष्ठामी सीदामी, पिवामी जिघ्रामी हिता तथा कुता इनसे एक एक शब्द से एक एक वाक्य बनाना है और स्वयं ही मिलान करना है हम मिलान नहीं कराएंगे अपने आप देखना है कर्ता का पुरुष क्या वचन क्या उसके अनुसार आपको कर्ता लगाना है क्रिया का पुरुष वचन क्या है ये फिर उसके अनुसार कर्ता लगाना है अब अपने आप प्रयोग करना है आपको अपने आप बनाना है रिक्त स्थान नंबर रिक्त स्थानों में लट उत्तम पुरुष का रूप लिखना है आपको इसका तो मिलान करा देंगे आपको नंबर एक अहम फलम दृष्ट धातु यहाँ तो पर क्या करना है उत्तम पुरुष का रूप भरना है तो कर्ता क्या एक वचन है तो अहम फलम पश्यामी होगा ऐसे ही आगे के बढ़िएगा ठीक है तो ये आपका गृह कार्य गया आगे की कक्षा में मिलान कराएंगे अच्छी प्रकार से कीजिएगा तभी आप संस्कृत भाषा के अच्छे मास्टर बनेंगे <laughs> चलिए सर्वेभ्यो नमः